नमस्कार। यूटीवी खबर को स्वागत। प्रथमे मुख्य खबर। रंगेलुंडा विमान बंदर को तुरंत कार्यक्षम करने जिलापाल एयर इंडिया एवं वाणिज्य और परिवहन विभाग अधिकारी परिदर्शन संप्रसारण नहीं सर्वे। ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय में नुआ नियम अनुजाई प्रति शुक्रवार खोदी पोशाक और साड़ी पिंधे अध्यापक एवं समस्त कर्मचारी। शनिवार कैंपस को गाड़ी मना। जातीय कृमिनाशक दिवस संपर्कित कर्मशाला अनुष्ठित आसंता 17 तारीख द्वितीय पर्यायर 1-19 वर्ष मध्य समस्त पिला दिजो कृमिनाशक औषध। भोजिभात किंबा मांगलिक कार्य खाद्य बळीगले नष्ट नकरी गरीब असहाय अनाथ व्यक्ति को बंटन पर टीम स्प्रेडिंग स्माइल रो भिन्न प्रयास। तुरंत न्याय प्रदान दाबी उपभोक्ता परामर्श केन्द्र सम्मुखें सारू पंचायत युवकों धारणा तृतीय दिवस अव्याहत समाधान बाट न पाइबारु धारणा। एवं बड़ धरणर डकायती उद्यम को पंड कला कोदल थाना पुलिस 5 जन दुर्धांत अपराधी गिरफ बोमा पिस्तल विभिन्न मारणास्त्र जबत। एथर संपूर्ण खबर। रंगेलुंडा विमान बंदर को तुरंत कार्यक्षम करने आशा देखादी। परिप्रेक्षी शुक्रवार विमान बंदर को जिलापाल दिव्यज्योति परिडा परिदर्शन कर स्थिति संपर्क में अनुधान करते। अवसर में एयर इंडिया और वाणिज्य और परिवहन विभाग अधिकारी उपस्थित थे। किपरी विमान बंदर संप्रसारण हो पार से एठार सर्वे कर अतिशीघ्र विमान बंदर उन्नतीकरण हो जिलापाल परिडा कहवा सह ए टेंडर कर विमान बंदर चारिपाखरे गच्छ रहिबो कि नहीं एवं केउ स्थान रे कोन व्यवस्था करा जिवो सेथिनै मध्य ठारे आलोचना करा जायथिला। अति शीघ्र किपरि विमान बंदर कार्यक्षम होई परिबो सेथिनै दृष्टि दिया जाउथबा जिल्लापाल कहिथिले। प्रथम पर्यायर आमर ये जो एयरफिल्ड अच्छी रंगेलुंडा एयरफिल्ड एक्सपेंशन आमर जो विभिन्न कार्य अच्छी सब आपने जानते या आमे उन्नत मानर गोटे एयरफिल्ड करिया प्लान करिछु एवं तार टेंडर मध्य फ्लोट होइछि जहाँ साइंटिफिक टेक्निकल आस्पेक्ट्स अच्छी ताकु सर्वे करिया पई आज आमर कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रू टीम आसी से माने विभिन्न सजेशंस दउछन्ति कोठी बिल्डिंग रहिबो कोठी गच्छ रहिबो कौन लेआउट रहिबो से सब विषय रे डिटेल रे डिस्कशन होउछि और आमे ताकु केते क्विकली करि परिबा से विषय रे असेसमेंट चल। सर जो जागा कथा पड़थिला जागा हैंडओवर हेलन की अनिश्चित भाव रे हमर जागा भी आसी गलानी प्लस किछि जागा हमर एक्विजिशन रे भी आसीबो सेटा मध्य प्रोसेस चलीछि एवं खूब शीघ्र सब प्रोसेस उडी को कंप्लीट हेजिबो। निश्चित भाव में गच्छ कटा हबार चांसेस अच्छी से डीएफओ आसी से प्रोसेस टी कमी सुरखुरी विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ केमती आम ठीक भाव में कर विषय में सजेशन मतामत सब रही से टेक्निकल असेसमेंट चली बढ़ कौन हम कम तो इमिडियेटली आरंभ होमती मुझे कहली टेंडर अलरेडी फ्लोट होमिडियेटली फंक्शनल करने कौन कौन दरकार से काम हमें नेक्स्ट वन वीक भीतर निश्चित भाव आरंभ। यहाँ पे जहाँ रंगेली गुंडा एयर स्ट्रिप पे खड़े हैं यहाँ हमने स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन मांगा है जो कि स्टेट कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एनसीसी के माइक्रोलाइट फ्लाइंग के लिए इस रंगेली गुंडा एयर फील्ड पे परमिशन दिया है। इससे हमारे जो एयर्स के जो एनसीसी कैडेट हैं उनको एक चांस मिलेगा गंजम एरिया में फ्लाई करने का। अभी तक हमारे जो माइक्रोलाइट हैं वो भुवनेश्वर में खड़े हैं और भुवनेश्वर में एयर स्पेस अवेलेबल ना होने के कारण वो फ्लाइंग नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एंड कलेक्टर की तरफ से यहाँ पर एक स्मॉल हैंगर जिसमें माइक्रोलाइट आके रखा जाएगा उसकी चलने से हमारे जो एनसीसी कैडेट हैं उनको बेनिफिट होगा उनको एयर ट्रेनिंग दी जाएगी इसलिए हम यहाँ पर हैं जिससे एक्सपेंशन प्लान में एनसीसी को भी इनकॉर्पोरेट किया जाए
और एक अच्छा फ्लाइंग सेटअप यहाँ पर रंगेलीगुंडा एयरपोर्ट पे बन सके। ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय रे शुक्रवार ठारु नुआ नियम लागू होईछि। एणिकि विश्वविद्यालय रे अध्यापक एवं समस्त कर्मचारी नुआ नियम अनुजाई प्रति शुक्रवार खदी पोशाक और साड़ी पिंधि आसिछन्ती। एहा द्वारा खदी कपड़ा और स्वराज्य कथा को मने पकाई जातीयता मनोभाव सृष्टि होई परुथवा अध्यापक और कर्मचारी माने मत देइछन्ती। कुलपति प्रोफेसर गीतांजलि दासों निर्देश क्रमे एपरि पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। सेहिपरि 11 तारीख ठारु प्रति शनिवार प्रदूषण मुक्त क्यांपस गठन पई कर्मचारी माने क्यांपस परिसर रे बैटरी चालित गाड़ी किंबा साइकिल व्यवहार करबा को निर्देश दिया जायछि। निहाति भावरे आम कुलपति प्रोफेसर गीतांजलि दास जो भली भावरे एक इनिशिएटिव नेइछंती यहा निहाति भावरे स्वागत योग्य। बहुत बढ़िया फीलिंग्स आसिला। आमे काली रातिरु ही प्रिपेयर करथलु कि आमे कोन पिंधिकी जेबो केमती पिंधिकी जेबो। आ देखंतु सब टीचर्स मानंकु आपण देखि पारथुवे प्रोफेसर मानंकु देखि पारथुवे भली कि भली ड्रेस पिंधिकी आसछंती। निहाति भावरे गोटे फेस्टिव फीलिंग्स क्रिएट करछि आम मानंक मध्यरे। आ एई भली इनिशिएटिव समस्ते नेबा दरकार आमर निजर खदी को प्रमोट करबा पई। आ आमको देखिकी जेहेतु आमे होछु टीचर आम को देखिकी स्टूडेंट भी फॉलो करेंगे निहाती भाव रे। एवं आम नेक्स्ट शुक्रवार कौन आम चेष्टा करूँ सप्ताह को थरे दी थर एटलिस्ट आम खदी वस्त्र पिंधिकी आसू यूनिवर्सिटी को। गोटे ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय गोटे इनोवेटिव स्टेप आम प्रति शुक्रवार दिन खदी वस्त्र परिधान करने आमको गोटे निर्देशनामा जारी करा जाई छी। किटा मानने बाध्यबाध्यकता ना समस्त यू खुशी से आपणई आज आप देखुं समस्त कर्मचारी शिक्षक वृंद से खदी वस्त्र परिधान कर निजे बहुत खुशी भी फिल कर कारण आम आम इंडिया या जिनस पिंधुचु या द्वारा पिंधा द्वारा आम बहुत कम्फर्ट फिल करूँ। पर्टिकुलरली आप देखते जो भाव में टेम्परेचर रईज कर गोटे लाइलेन वस्त्र पिंधिले आपकी कम्फर्टेबुल कम करें तेणु खदी वस्त्र पिंधि जब आप कम्फर्ट फिल कले आप कार्यक्षेत्र में बहुत भल भाव कम करें तेणु मुझे भावी एटा भविष्य में पाने आपणे और ये जो मेसेजटा ग्राजुआली अन्न मान स्प्रेड कर आशा। देखो यह गोटे निहाती भाव में आम समस्त उत्साह आ प्रेरणार गोटे स्रोत कारण कुलपति महोदयांकर जो निर्देश क्रमे प्रति शुक्रवार ठूँ समस्त कर्मचारी शिक्षक अणक शिक्षक माने समस्ते खदी परिधान करेंगे आउ यहाद्वारा गोटे निहाती भाव में गोटे जातीयता भाव सहित आम भितर संस्कृति आमर जो परिचयटा को पुणी थे पुनरुत्थान कर आदारा आम देखिपर जो मैंने छात्र छात्री मैंने अच्छा विश्वविद्यालय छात्र छात्री मैंने द्वारा अनुप्राणित हो पारे तेणु मुझक बहुत गर्व अनुभव करुच्चे मुश्विद्या ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय गोटे अंशविशेष आ गोटे अंग आद्वारा मुझे नुआ पदक्षेप निहाती भाव में मत गर्व अनुभव करुच्चे बहुत खुशी अच्छी जे आम खदी को पुणी थे पुनर्बार आम निजक आपणई नहींचु आम प्रति शुक्रवार दिन पिंधापी आम निष्पत्ति नहींचु तेणु यह ब्रह्मपुर महानगर निगम अंतर्गत भिविगिरी बालिका उच्च विद्यालय ठारे सीडीएमओ डॉक्टर उमाशंकर मिश्रों द्वारा जातीय कुर्मीनाशक दिवस संपर्कित एक कर्मशाला उद्घाटित होता। अतिरिक्त जिला सहरांचल जनस्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार पंडा जातीय स्वास्थ्य मिशन रो जिला कार्य परिचालक श्यामसुंदर त्रिपाठी शिशु कल्याण कार्य अधिकारी कृष्णा कुमारी नंद एवं भिविगिरी बालिका विद्यालय प्रधान शिक्षयत्री प्रभात मंजरी मिश्र ही अवसर में उपस्थित थे। वर्षक दुईथर फेब्रुआरी और अगस्त मस सरकार तरफ कुर्मीनाशक दिवस पालन कर सूचना दि जाता। जदि 1-19 वर्ष मध्य कौन पिला कुर्मीनाशक औषध सेवन वंचित थे से औषध खुआवाई द्वितीय पर्यायटी 17 तारीख में अनुषित होबार सीडीएमओ डाक्टर मिश्र प्रकाश करते 1-5 वर्ष पिला आलबेंडा जल सिरप 6-19 वर्ष पिला आलबेंडा जल बटिका प्रदान कर सर्वमोट 69,440 जन 1-16 वर्ष पिला कार्यक्रम उपकृत हे। जेकोनसी भोजिभात किंबा मांगलिक कार्य रे खाद्य बळीगले एहाकु नष्ट न करी गरीब असहाय किंबा अनाथ व्यक्ति मानंकु बंटन करबा पई टीम स्प्रेडिंग स्माइल अनुष्ठान तरफरु उद्यम जारी रहिछि।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୁରୁବାର ଲଚାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଭୋଜିରେ ବଳକା ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ 120 ଜଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଟିମ୍ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ ସ୍ମାଇଲର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଆଗକୁ ଯଦି କିଏ ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିବେ ତେବେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ନେହେରୁ ନଗର ଦଶମ ଲାଇନ୍ ସ୍ଥିତ ଉପଭୋକ୍ତା ପରାମର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ହେଞ୍ଜିଲିକାଟୁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିବାସୀ ରଜନୀକାନ୍ତ ଶୁକ୍ରବାର ଅନୁରୂପ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଖାଉଟି ଅଭିଯୋଗର 2021 ମସିହା କେସ୍ ନମ୍ବର 15ର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଦାବି ନେଇ ରଜନୀକାନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଏପରି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସେ ଉକ୍ତ କେସ୍ ନେଇ କୌଣସି ସମାଧାନର ବାଟ ପାଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଧାରଣା ଜାରି ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମକୁ ପଣ୍ଡ କରିବାରେ କୋଦଳା ଥାନା ପୋଲିସ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ ସମୟରେ ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପଛପଟ ମଶାଣି ପଡ଼ିଆ ନିକଟରୁ କୋଦଳା ପୋଲିସ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବୋମା ପିସ୍ତଲ ଓ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଛି। ଏହି ଡକାୟତମାନଙ୍କ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ମାମଲା ରହିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ଜେଲ୍ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଜନୈକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ 75 ବର୍ଷୀୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମଙ୍ଗୁଳୁ ସାହୁଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ରାଶି ବାବଦକୁ 5,900 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଡେପୁଟି ମେୟର ଇ ବିବେକ ରେଡ୍ଡି, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଭୀମସେନ ଦଳେଇଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କର୍ପୋରେଟର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ତରଫରୁ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉତ୍କଳ ଆଶ୍ରମ ସଭାଗୃହରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୁଗୁଡ଼ା ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଭିତ୍ତିଚିତ୍ର ପରମ୍ପରା ଶୀର୍ଷକ ସ୍ମାରକୀ ବକ୍ତୃତା ନେଇ ଏଠାରେ ଶିଳ୍ପୀ ଡକ୍ଟର ଦିଲୀପ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କପିଳେଶ୍ୱର ଦାସ ସ୍ମୃତି ପ୍ରବନ୍ଧ ସମ୍ମାନ ଏଠାରେ ଡକ୍ଟର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଘାଟକ ରୂପେ ନାଟ୍ୟକାର ମେଜର ରମାରମଣ ପାଢ଼ୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଲୋଚକ ଭାବେ ଡକ୍ଟର ବନମାଳୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର କୁଳମଣି ଓଝା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ଳୋକ ଆବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ପାଢ଼ୀ ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ଡକ୍ଟର ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡା ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, ଅନୁପ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର ମନୋରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱଇ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀ ପଲ୍ଲବଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯେ ଆମେ ଦିଗ ପହଞ୍ଚିବା ଲୋକ ତୁ ଘୁମସର ଲୋକ ତେଣୁ ଘୁମସରକୁ ଖୋଜ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସାମୁଦ୍ରିକ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରତାପ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହାର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।
ଫାଲକନ୍ ମେରାଇନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସଂସ୍ଥାର ମାନବ ସମ୍ବଳ ମୁଖ୍ୟ ମାନସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଚାରୋଟି ବିଭାଗରୁ 51 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 33 ଜଣ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ପିତ୍ତଳ ଗୀତା ପାଠଶାଳାରେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ପକ୍ଷରୁ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ସ୍ନେହ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜଯୋଗିନୀ ପ୍ରଭାତୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅଞ୍ଜଳି ସ୍ୱାଇଁ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ହୃଷିକେଶ ମହାନ୍ତି, ମୁନା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ବରୁଣ ପଲେଇ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସତ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ରାମପ୍ରସାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପୁଣି ଥରେ। ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନ, ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ସର୍ଭେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଖୋଦି ପୋଷାକ ଓ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବେ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ଶନିବାର କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଗାଡ଼ି ମନା। ଜାତୀୟ କୃମିନାଶକ ଦିବସ ସମ୍ପର୍କିତ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1-19 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କୃମିନାଶକ ଔଷଧ। ଭୋଜିଭାତ କିମ୍ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ବଳିଗଲେ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ ନକରି ଗରିବ, ଅସହାୟ ଓ ଅନାଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଟିମ୍ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ ସ୍ମାଇଲ୍ର ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ। ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ଉପଭୋକ୍ତା ପରାମର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ସାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୁବକଙ୍କ ଧାରଣା ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଅବ୍ୟାହତ, ସମାଧାନର ବାଟ ନ ପାଇବାରୁ ଧାରଣା। ଏବଂ ବଡ଼ ଧରଣର ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମକୁ ପଣ୍ଡକଲା କୋଦଳ ଥାନା ପୋଲିସ, 5 ଜଣ ଦୁର୍ଦ୍ଧାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଗିରଫ, ବୋମା ପିସ୍ତଲ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ। ୟୁଟିଭି ଖବରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।